हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान दीमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपने व्रत में बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन क्या कभी व्रत में आपने टिक्की खाई है? आज मैं आपके लिए ऐसी टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप शिवरात्रि, जन्माष्टमी या फिर नवरात्रे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। व्रत में भी जब कभी आपका चटपटा खाने का मन करे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। तो ये टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम साबूदाना लिया है। इसको मैंने पहले से ही 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम 2 आलू ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको हम ग्रेटर में ग्रेट करके इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैं इनको कद्दूकस में कस रही हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी गर्म आलू का यूज़ नहीं करना है। उबालने के बाद हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे 30 से 40 ग्राम मूंगफली का पाउडर ले लिया है। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही 3 से 4 बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून हम इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे। साथ में ही 1 टीस्पून ये मैंने लिया है साबुत धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो ये टिक्की बनाने के लिए मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे जिससे ये हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं, और ऑयल डालने के बाद भी इसको हम एक बार अच्छे से मथ लेंगे। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो मिक्सचर तो हमारा तैयार है, अब हम इसकी टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसमें से मिक्सचर लेकर हम उसकी टिक्की तैयार कर लेंगे। छोटी या फिर बड़ी जैसे साइज़ की आपको तैयार करनी है वैसी आप कर सकते हैं। साइड्स में से इसमें जो भी थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए होंगे उनको हम इस तरह से टिक्की को घुमाकर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है। इसकी शेप भी कितनी अच्छे से आई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है इसकी। तो मैंने इसी तरह से ये यहाँ पे सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पे पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें हम इन टिक्कियों को डाल लेंगे। और एक बार तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। तो हम इसको इधर उधर से अलट पलट कर भी अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाने से ये बाहर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से भी पक जाएंगी। तो ये देखिए इनमें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको तेल में से निकाल लेते हैं। जो इनमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल आ गया है उसको हम यहीं पर निकाल देंगे और इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये तैयार होने के बाद हम बाकी टिक्कियों को भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको कौन से व्रत में ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे इनमें भी गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इनको भी हमने हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। तो इनको भी हम तेल में से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हम यहीं पर निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे भी उस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए कितनी ईजली हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी प्लेट तैयार करने के लिए पहले हम इसके लिए दही तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दही ले ली है। इसमें हम 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे, साथ में ही 1/2 टीस्पून सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में हम इसी का यूज़ करते हैं। अब नमक और चीनी को हम दही में बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे जिससे हमारी दही भी स्मूथ हो जाएगी और चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये लीजिए दही भी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम तैयार की हुई टिक्कियाँ रखेंगे और ऊपर से हम इसमें दही डाल लेंगे, जो दही अभी हमने मीठी करके तैयार की थी। मैं तो इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपको जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ में ही 1 चम्मच हम इसमें हरी चटनी डाल लेंगे। ये धनिया और पुदीने की चटनी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और 2 चम्मच हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। ये आप व्रत में खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लीजिए, कितनी बढ़िया हमारी व्रत में खाने के लिए टिक्की तैयार हो गई है। शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि व्रत में भी हम इस तरह की टिक्की खा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।